लोकसभा चुनाव के बीच एक साथ 100 से अधिक नेता कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। राजनीति में मच गया भयंकर बवाल। जी आपको बताए चले कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का पहला चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा को जबरदस्त तरीके से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आज भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, या यूं कहे 10 साल बाद उन्होंने अपने बेटे और पत्नी सहित घर वापसी कांग्रेस पार्टी में कर दी है। इन सब के बीच हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा को तगड़ा झटका लग गया। अलग अलग दल के करीब सैकड़ों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी लोगों को पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हुए नजर आ रहे। ये सभी नेता आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अहम रोल निभाते हुए भी नजर आने वाले। जी हां, आपको पता ही चलेगी जिस तरीके से हरियाणा में भाजपा को एक के बाद एक लगातार झटका लगता हुआ नजर आ रहा, इससे तो यह साफ हो गया कि आने वाले समय में हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें आती है और कांग्रेस उम्मीद जताई बैठी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीट कांग्रेस की झोली में डालना है। इसको देखते हुए तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार हरियाणा के सड़कों पर निकल पड़े और जनता से वोट मांगने का काम भी उनके द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल हरियाणा में एक साथ सैकड़ों नेताओं ने कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टैक से हर्षराज की रिपोर्ट।